मुल्क हालात के लिहाज से चूंकि एक चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, किसी वफद ने इसराइल के सदर से मुलाकात की है, तो ये बात हमारे लिए बड़ी बायस तशवीश है। यानी पाकिस्तान के वफद का इसराइल के सदर से मुलाकात करना, ये गोया के नज़रिया पाकिस्तान पे हमला करना है, ये पाकिस्तान की पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ है, आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये सरी नस कुरानी के ख़िलाफ़ है। यानी ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ये पहले भी पता नहीं क्या क्या ये खुफिया करते रहते हैं, ये सब कुछ उससे दोस्ती के लिए किया जा रहा और उसे तस्लीम करने के लिए किया जा रहा। और इसमें सबसे पहले जो इर्तिकाब किया जुर्म का, वो कुछ अरब ममालिक हैं कि जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है। और ऐसे ही तुर्की का सदर भी वहाँ गया रहा है और या उसकी मुलाकात हुई है, ये मीडिया पर आया था। तो ये छोटे जुर्म नहीं, बहुत बड़े जुर्म हैं। और पाकिस्तान के जो सदर हैं या पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म या हुक्मरान, को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान नज़रियाती सल्तनत है और इसके अवाम नज़रियाती हैं। और अगर यहाँ किसी ने इसराइल से दोस्ती का सोचा तो पाकिस्तान के अवाम उसे इसराइली भेज देंगे, यानी उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का जज्बा है, मजहबी कुव्वत है, और यहाँ का फैसला जो उसके पीछे दुनिया अपने फैसले करती है। लिहाजा हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ से अपनी पॉलिसी का ये ऐलान करते हैं कि हम भरपूर तरीके से ऐसी मुलाकातों की मजम्मत करते हैं और इसराइल से दोस्ती को मुस्तरद करते हैं। और हमारा ये अज़म है कि कभी भी हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे अल्लाह के फजल से कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये इतना बड़ा फैसला हो जाए, इसे कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अल्लाह की तौफीक से इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन पागलों को हिदायत दे कि जो उसके साथ दोस्ती की पींगे चढ़ाना चाहते हैं, कि जिसकी दुश्मनी पर अल्लाह के कुरान ने गवाहियाँ दी हैं। और यहाँ तक कि ये जो मैं तो अपने तहकीकात जो है बताता रहता हूँ कि ये लफ्ज़ इसराइल, ये जो हमारी ज़ुबानों पर आज मुज़म्मत के लिए भी इसराइल का लफ्ज़ हमें बोलना पड़ता है, असल में इसका नाम है अल-कय्यानुस्सायून। ये इसका नाम हमारे नज़दीक नहीं था, मुसलमानों के नज़दीक। उन्होंने अपना ये लकब हमारे मीडिया से और फिर हम सब से मनवाया हुआ है कि आज अल-कय्यानुस्सायून कह के हम रद्द करें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रद्द किसका कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल का तो बड़ा मुकद्दस माना है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, और उसे ये लकब है, ये नबियों के अलकाब में से है। और इस बुनियाद पर यानी आज हम इतने अपाज हो गए हैं कि हमें रद्द करने के लिए भी फिर उन्हीं का लफ्ज़ बोलना पड़ता है जो वो हमसे बुलवा के जश्न मनाना चाहते हैं कि देखो है हमारे दुश्मन, मगर हमें इतनी इज्जत से बुला रहे हैं कि हमें इसराइल कहते हैं कि अल्लाह का बंदा। तो इसलिए ये प्रोपेगंडा चूँकि बहुत पुराना आ रहा है और चलते चलते आज ऐसी सूरत हाल बन गई है, बहरहाल जिसको वो इसराइल से ताबीर करते हैं, और हमारे नज़दीक वो एक वलदुल हराम सल्तनत है कि जिसने सबसे बड़ा दुनिया में इंटरनेशनल कब्ज़ा ग्रुप है और जिसने इतने बड़े मजालिम किए हैं, जिनके दामन पर इतने फ़िलिस्तीनियों का, अरबों का खून है। हमारे इन हुक्मरानों को कम अज़ कम वो खून देखना चाहिए। फ़िलिस्तीनियों की तीसरी नस्ल जो है वो अब खैमों में ज़िंदगी बसर कर रही है, तो ये इनको उनकी फ़िक्र नहीं, और ये इसराइल इसके दोस्ती के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। रब ज़ुलजलाल किसी भी ऐसे फैसले से जो आईने पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान के मुनाफी है, इस मुल्क के हुक्मरानों को बचाए कि ऐसा कोई फैसला ना हो और इस मुल्क का जो तशख्स है इस्लामी तौर पर वो बरकरार रहे।